आज जो हमारी गेस्ट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती है। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली अलीना राइस। प्लीज बैठिए। आज के सेशन का हम टॉपिक रखते हैं जो इनकी एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड, दैट इज कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली और प्रॉपर एक्सेंट के साथ में तो किस तरह से बोल सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे आज यहां पर। आप जो भी पूछेंगे इनसे वो इंग्लिश में पूछेंगे, हिंदी में नहीं पूछेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सो नर्वस राइट नाउ एंड आई एम टू यार, इट्स ऑल राइट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। लाइक इवन यू डोंट नो योरसेल्फ दैट यू हैव चेंज। मतलब सर यही मेरा यही क्वेश्चन है, ऐसे फ्लुएंटली बोलते हुए। आप किसी भी भाषा में बोलो, मैं समझ गया आपके दिल में क्या है। सो यू आर माय इंस्पिरेशन एक्चुअली। एंड मैम माय क्वेश्चन इज दिस, लाइक हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ रिजेक्शन while speaking English, like अभी मेरे साथ जो हो रहा है। There is no rejection. It's in your head. Did anybody reject her right now? No. Nobody is rejecting you. It's only in your head. Why would somebody reject you? English is just a mode of communication. It's a language. क्या ये आपकी native language है? नहीं। Are you supposed to be perfect at it? Nobody is rejecting you. Second, if you really want to improve yourself, you have to keep facing the discomfort that you just faced when you raised your hand and you said, I want to speak on the mic. It takes a lot of guts because you're on the cameras. It's not just these people watching you. There are millions of people who are going to watch you after this day, right? It took guts. And those are the guts that are going to make you reach there, where you're going to be super fluent with your English. Getting my point? Yes, so that's the thing. This is it. कोई वो नहीं है इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस होती है और अपने डिस्कम्फर्ट को फेस करना होता है। शुरुआत में मुझे भी महसूस होता था क्योंकि मैं एक काफ़ी एवरेज स्कूल से अचानक से एक बहुत अच्छे स्कूल में पटक दी गई थी और मेरे आसपास सब बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और मेरा मजाक बहुत बार उड़ा है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती उस बात में, उसके बारे में सोच के। टीचर्स तक मजाक उड़ाते थे, अरे कहाँ से आ गई है, वैसा वाला। आई थिंक इट्स रॉन्ग, डोंट डू दिस टू अदर्स। और दूसरी बात ये, अपने ऊपर हंस लोगे ना तो किसी और का हंसना तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। गलती करो, खुद पे ही हंस लो। सर इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैं लाइक इतने सारे लोगों के साथ आई एम टॉकिंग। लाइक सर मैं लिटरली मैं स्कूल में भी ऐसे मैंने आज तक न्यूज तक नहीं बोली है। लाइक जो असेंबली में बोलते हैं ना, आई हैव नेवर डन दैट। नेक्स्ट टाइम इट्स गोना बी इजियर एंड एवरी टाइम द नेक्स्ट टाइम यू रेज योर हैंड इट्स गोना गेट इजियर डे बाय डे। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। थैंक यू सर। वेरी गुड। What is the most important thing for speaking English? Because what is important? Grammar, vocabulary or reading? यही तो गलती है। आप लोग क्या करते हो ना, English का operation कर देते हो, उसके टुकड़े बना देते हो। ये रही vocabulary, इसको मैं कल करता हूँ। ये रही grammar, इसको आज छू लेता हूँ थोड़ा सा। ये रही कुछ और, ये कुछ और, ये construction है, ये sentence construction है। देखो हम इस पर बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ये होता है आप ऊपर से देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। ये जो प्रॉब्लम है इसको आप ऊपर से देख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ या मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ कॉन्फिडेंटली। सल्यूशन है सिंपल, इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है बस बोलना है। ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच। अगर उसका ऑपरेशन करोगे, चलो ग्रामर सीखने में मेहनत करूँगा, आज मैं एक्सरसाइजेस करूँगा ग्रामर की, ऐसे नहीं करना है। आपको ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भाषा कैसे सीख सकते हो? हिंदी क्या टुकड़ों में सीखी थी? आज मम्मी छोटी ई की मात्रा सिखाएगी, कल पापा मेरे को बड़ी ई की मात्रा सिखाने वाले, ऐसे थोड़े होता है। नहीं होता ना ऐसे, है ना? आप टॉप डाउन देखो ना। प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, सल्यूशन है इंग्लिश में बात करना शुरू करो, जितनी आती है उससे करो। ग्रामर वोकैबुलरी सब बनते 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 बन जाता है। एक्सेंट की जहाँ तक बात है, कुछ नहीं होता एक्सेंट। एक्सेंट कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट कोई क्यों बनना है हमें? ब्रिटिश? हमें क्यों अमेरिकन बनना है? हम इंडियन काफ़ी हैं यार,
हम बहुत अच्छे हैं एज इंडियंस, हम इंडियन एक्सेंट में बोलेंगे. मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे, मैम एवरीथिंग इज गुड अबाउट यू, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर एक्सेंट अ लिटल. व्हाई? आई ऑलरेडी हैव माई इंडियन एक्सेंट, व्हाई वुड आई वांट टू बी अमेरिकन? आई डोंट वांट टू बी अमेरिकन, आई एम ओके, आई एम गुड. And that's what you have to be. Currently, I am preparing for CDS exam. That's very in nice. Which interview will be conducted in English language. आप ये कह रहे हो ना कि आपको इंटरव्यू में बेटर करने के लिए क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है. आई नो थोड़ा घिसा पिटा हो गया, बट यही है यार. मेरे पास कोई मेडिसिन थोड़ी है, मैं दूंगी ये वाली खा लो हो जाएगा. नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा. शुरुआत के 7, 8, 10 दिन तकलीफ होगी, क्योंकि कोई भी नया काम सीखने में आपको तकलीफ होती है, तकलीफ होगी. 11वें 12वें दिन अगर आपको आराम महसूस होना शुरू ना हो जाए तो आप बताना. आराम अपने आप, इट विल सीप इन टू यू. वंस यू नो हाउ टू टैकल अ प्रॉब्लम, इट गेट्स ईजियर फॉर यू. एंड जितना डिस्कम्फर्ट डे 1 पे होता है, डे 11, डे 12 पे उतना नहीं होता है. बट या, इट्स अ लॉन्ग फाइट. सालों लगते हैं. ये जो अंग्रेजी कोर्सेज होते हैं ना, 40 दिन में अंग्रेजी सीखो, नहीं सीख सकते. थोड़ा बहुत सीख भी लोगे, बट आपको अपने मुँह से डिलीवर करने में परफेक्टली सालों लगेंगे. तो यहाँ पे मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है कि आप क्या कर सकते हो कि ये जो एग्जामिनेशन है जहाँ पर जा करके आपको अच्छे से इंग्लिश में बात करनी है या इंटरव्यू देना है, तो आप स्टडी करो कि इसका पैटर्न क्या है. आजकल तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर के ऐसे मॉक इंटरव्यूज होते हैं. हाँ. तो अगर वो वाले आप मॉक इंटरव्यूज देखते हो और क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेते हो और आपको कॉमन नजर आता है कि ये 5-10 क्वेश्चंस हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आपको पहले से ही पता है कि क्या आने वाला है. हाँ. तो याद कर लो. सर एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट. मॉक इंटरव्यूज की वाकई में वेबसाइट्स हैं. तो आप अगर पहले से तैयारी कर लो और उसको बार 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 लिख करके पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, याद ही हो जाए, रट जाए. जैसे मैं नहीं बोलता यहाँ पे जब भी कोई आता है, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वेलकम टू माय ओनली धर 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 धर. अब ये क्या है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थोड़ी ना है, रट गया है ना. सर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. सर इस पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी, जो आपने जहां से सवाल की शुरुआत की थी कि मेरी वोकैबुलरी हो गई है, मेरा ग्रामर हो गया. मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दूंगी यहाँ पे, सिंपल बोलने की कोशिश करना. एम क्या है? इंटरव्यू क्लियर करना है ना, या अंग्रेजी अच्छी बोलना है? दैट्स नॉट योर एम. वो एक मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का. एम है इंटरव्यू क्लियर करना, राइट? आप सिंपल अंग्रेजी बोलने पे फोकस करो. जैसे मैं एकदम सिंपल बोलती हूँ, आराम आराम से बोलो, भागने की ज़रूरत नहीं है, तसल्ली से बोलना. कोई सवाल आगे से आए, 2 सेकेंड का पॉज लो, पॉज लेके आराम से स्माइल करो. Whatever you're answering, always start with a smile. वहाँ पे ये आधा battle won हो जाता है, समझ रहे हो? Start with a smile, take 2 second pause. जहाँ पे भी लगे you're running short on your thoughts, बोल दो, sir, can I take 2 seconds? बोल दो. पता है लोग मदद करना चाहते हैं आपकी. अगर मैं यहाँ स्टेज पे बोलना शुरू करूँ और मैं अटक जाऊँ, मैं फंबल करूँ, ऐसे करने लगूँ, सच बताओ तुम सब डर जाओगे ना? मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि ऑडियंस हमेशा चाहती है आप अच्छा परफॉर्म करो, राइट? और जब बंदा जो स्टेज पे है वो कांपता है ना, तो ऑडियंस साथ में कांपती है, वो डरती है कि कहीं आगे नहीं बोल पाया तो इस बेचारे का क्या होगा. जो आपका इंटरव्यू लेगा वो भी चाहता है आप सक्सीड करो, ये याद रखना मेरी बात. हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. My question is that ki I am good in speaking English, but my accent is not so good. Because of that, my speaking English is not so bad. It is like dumb. And my life is going in a corporate life, and all thing I want to do is in a corporate life. So how can I improve my accent? Because before it was zero, now it is zero. By accent, do you mean the style of speaking? Yes, ma'am. What do you mean by accent? Because एक्सेंट का तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपका इंडियन एक्सेंट है वही मेंटेन करना है. आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट प्रोनंसिएशन रादर देन एक्सेंट. शी इज सेइंग कि पहले आई यूज्ड टू से जीरो, नाउ आई से जीरो. यस. सी द चेंजेस. ओके. हाउ कैन वी अपडेट आवरसेल्फ? वैसे देखो, अगर आप सीखने की भी कोशिश करोगे, लेट्स से आप यूट्यूब के सैकड़ों वीडियोस देखते हो, आप रिटेन नहीं कर पाओगे. मैम कुछ नहीं होता, रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना? होता क्या मैं बताती हूँ. एक छन्ने की तरह होता है,
आप उसमें इतना ढेर सारा डालोगे, छन्ने में इतना सा बचता है ना, चाय की पत्ती का इतना बड़ा आप पूरा टम्बलर उसमें पोर कर दो तो इतनी सी पत्ती बचती है। एक्चुअली लर्निंग का भी यही होता है, आप इतना अंदर दिमाग के डालोगे इतना सही बचेगा। बट उसी के लिए हमें ट्राई करना है, इसलिए अपने बेस को बढ़ाते रहो। ठीक है, अभी आपने इतना डाला तो इतना बचा, आपने इतना और डाला अपने दिमाग में, इतना और बचेगा। ये धीमे धीमे याद रखना, देखो अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है, तुम नहीं कर सकते यार, कितनी भसड़ होगी ज़िंदगी में, है ना, कुछ रिलेशनशिप का, कुछ फैमिली का, कुछ करियर का, कुछ पढ़ाई का, पैसों का, सैकड़ों चीज़ें होंगी, क्या पूरा दिमाग तुम्हारा इंग्लिश पे लगा हुआ है? नहीं ना। तो अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है कि अरे यार मैं इतनी मुश्किल से तो जीरो को जीरो कर पाई हूँ, आगे क्या होगा मेरा, आगे कैसे मैं इसको ठीक करूँ, उसको ठीक करूँ। मत बनाओ, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा स्मार्ट है। आप जितना ज़्यादा इसे एक्सपोज करोगे, जितना ज़्यादा लर्निंग से, लर्निंग है ना, लर्निंग इज़ द की वर्ड हियर, जितना ज़्यादा लर्निंग से एक्सपोज करोगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे, आप सीखते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम आप डम्ब नहीं बोलोगे, आप डम्ब बोलोगे क्योंकि बी साइलेंट है। समझ रहे हो? ये मेरे लिए नई बात है, आप कह रहे हो डम्ब नहीं होता है, डम्ब होता है सर। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जैसे थम्ब नहीं होता है, थम होता है, थम थम या बी साइलेंट। तो थम्ब बोलता है सर, वही बोलिए। और मैं डम्ब बोलता है, मेरे को समझ नहीं आता, डम्ब हूं सर या मैं डम्ब हूं, मेरे को समझ नहीं आता। अगर तुमको अंग्रेजी बनाते वक्त बी को साइलेंट रखना ही था तो लगाया ही क्यों? हाँ, अब है ना, उनकी गलती है, हम क्यों भुगते? हाँ भाई, हम तो भुगते, हम तो थम बोलेंगे सर। जैसे प्लम्बर, सब लोग प्लम्बर प्लम्बर बोलते हैं हमारे देश में, बढ़िया है यार, क्या दिक्कत है, बी साइलेंट तो है, प्लम्बर ही तो होता है, प्लम्बर होता है, प्लम्बर होता है, प्लम्बर मर गया है मतलब। भाई ये तो मेरे सारे फंडे हिल रहे हैं, बहुत लोचे हैं, बहुत लोचे सर, आपने प्लम्बर बोल भी दिया तभी प्लम्बर आ जाएगा, आप फोन करोगे प्लम्बर को खुद ही नहीं पता बोलोगे तो वो सामने से गाली निकालेगा, अबे क्या चाहिए गाली के, सर उसको खुद ही नहीं पता कि बी साइलेंट है। आप उसको प्लम्बर प्लम्बर बोलोगे शायद उसको अजीब लगे, मैडम फालतू क्या एक्सेंट मारी। बाकी देखो द थिंग इज दैट यू आर एंटरिंग द कॉर्पोरेट, यू टोल्ड मी यस मैम, अरे इट इज गोइंग टू बी डन देयर, डोंट वरी। आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, आप ऑफिस जाओगे, आप बहुत सीखोगे वहां पे, सबसे अच्छा तरीका है। पता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ क्या होती है, हमें ये लगता है कि हमारे साथ में जो बाकी के लोग हैं ना वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, या वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, वो भी वहीं से आए हैं जहाँ से आप आए हो, वो भी ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैकग्राउंड से आए हैं, उनकी भी वही स्ट्रगल्स हैं, वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी है। हाँ, हो सकता है वहां पे किसी आप कॉर्पोरेट में जाओ वहां पर 100 में से 10 लोग हो जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो बोलने में, अपने आप को प्रेजेंट करने में, बाकी 90% लोग हैं वो ऐसे ही होंगे, आपके जैसे, मेरे जैसे, इनके जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिनको प्लम्बर और प्लम्बर के बीच में फर्क पता है। मेरे को और आप सिखाइए कुछ जरा, मतलब और ऐसी कुछ बातें, कुछ मतलब हम सबके लिए, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, तो यही तो होता सर, है सर, नहीं होता ये, मजे की बात ये है कि मैं ये भी नहीं कह रही कि ये अमेरिकन या ब्रिटिश है। एक मिनट, अभी आप में से कुछ लोगों ने बोला नहीं होता, तो क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम, या कैल्शियम होता है, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम। द थिंग इज सर, अगर ये सिर्फ अमेरिकन या ब्रिटिश में होता तो भी मैं कहती छोड़ो, बट ये इंडियन में भी है। आप इंडियन प्रोनाउंसिएशन गूगल पे चेक करोगे, दैट आल्सो सेज कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम। तो हम ये कैल्शियम कहां से बोलते आए हैं, ये कहां से आया सर? दादा पर दादा, इसकी ओरिजिनेशन कहां से है सर? ये ऐसे ही चला आ रहा है, और द थिंग इज पता है अंग्रेजों के जमाने से। हाँ हाँ हाँ, अभी क्या है कि हम बोल रहे हैं दूसरा समझ रहा है तो बस बात खत्म, क्या जरूरत है, ठीक है। ये तो अफवाह हो गई एक तरीके से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हाँ, कि मतलब कहाँ से शुरू हुई है, कहना ही बड़ा मुश्किल है सर। तो हमारे लिए भी वियर्ड है, बट हमें वीडियोस बनाने में पता चल जाता है ना, नॉलेज मिल जाती है, और फिर हम आगे सिखा देते हैं, फिर वो मिलियंस ऑफ लोग उसे देखते हैं तो वो भी सीखते हैं, उससे मजा आता है। अच्छा एक बात बताइए, कैल्शियम से मेरे माइंड में आ रहा है विटामिन, तो विटामिन होता है विटामिन होता है सर? आई थिंक इट्स विटामिन, या इट इज विटामिन, या इट्स विटामिन। मैं सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं तो आप भी फंसोगे सर, सर कहीं ना कहीं नहीं, बहुत के कमेंट लिखेगी, अरे मैडम छोड़ो क्या बोल रहे हो, विटामिन विटामिन। नहीं सर, मैं भी सर, मुझे बहुत चीजें नहीं पता है। आई थिंक ऑन दैट ग्राउंड एवरी वन ऑफ अस शुड बी वेरी हम्बल, राइट, दैट देयर आर ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स दैट यू डू नॉट नो। और मजे की बात पता है क्या है, पता करने की जरूरत भी नहीं है, नहीं अपना इतना, जब तक की बात समझ आ रही है ना,
आपस में, तब तक ठीक है, आई थिंक सो। सर वो वीडियोस अच्छा परफॉर्म करते हैं इसलिए हम बनाते रहते हो। नहीं आपको तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना, मतलब जैसे डॉक्टर है तो पहले उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, देखो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है सर, उस पे इसका ये सॉल्यूशन है। उस पे बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, अरे आई अंग्रेज की औलाद हमें सिखाएंगी। अब कुछ तो बनाएंगे ना यार, हमारा काम है वो, हमारा काम है एंड रियली पीपल लाइक इट। नहीं और आप अपनी तरफ से तो अच्छा काम ही कर रहे हो, मतलब अगर कोई सीख जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरे ऐसा अगर कोई नहीं सीखना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आई अग्री। हम तो कैल्शियम ही बोले। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।